मैं उस स्टीव ऑस्टिन और मैं ढूंढूंगा अमेरिका का जाबाज खिलाड़ी। हर हफ्ते में 8 बेहतरीन खिलाड़ियों को अपने फॉर्म पर लाकर लड़वाऊंगा। हर राउंड में एक खिलाड़ी धराशाही होगा, अंत में बचेगा सिर्फ एक। और आगे की मुश्किलों को पार करने के बाद वो कहलाएगा स्कल बस्टर। कई मुश्किल चुनौतियों में इन खिलाड़ियों के सब्र का इम्तिहान होगा और अंत तक टिकने वाला खिलाड़ी हकदार होगा $10,000 का। तो दिखा दो कि तुम में वो बात है। ब्रोकन स्कल चैलेंज के पिछले एपिसोड में आपने देखा जेसन न्यूयॉर्क से आया एक थेरेपिस्ट जो सबसे पहले स्कल बस्टर तक पहुंचा और जिसे $10,000 जीतने का मौका मिला। और जेसन को बस्टर ने तब तोड़ा जब वो अपनी जीत के बहुत करीब था, लेकिन आखिर में उसे हार माननी पड़ी। ओह नो! और आज का युद्ध 8 लड़कियों के बीच होगा। सब एक से बढ़कर एक हैं और आज का चैलेंज बहुत रोमांचक होने वाला है। और आखिर में इन लड़कियों में से एक ही पहुंचेगी स्कल बस्टर चैलेंज तक। हार्ड लक। यस, यू कैन डू इट। और अब देखते हैं आज का ब्रोकन स्कल चैलेंज। मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्रेनर हूँ। मैं हर तरह के टास्क कर चुकी हूँ, पर मैं जानती हूँ यहाँ मेरे लिए टिकना आसान नहीं होगा। जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसकी गर्दन मरोड़ दूंगी। आजमाना चाहते हो तो आ जाओ। लड़कियों, मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ कि मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती, और अच्छा होगा कि तुम मुझसे पंगा ना ही लो। पहली लड़कियां हैं जो मेरे फॉर्म पर इस चैलेंज के लिए आई हैं, और ये मेरा इलाका है और यहाँ पर लड़कियों और लड़कों में कोई फर्क नहीं है। चैलेंज वही रहने वाला है। तुम सब लोग यहाँ पर इसलिए आए हो क्योंकि तुम लोगों में दम है। तो ये वो जगह है बेब जहाँ पर तुम अपने आप को प्रूव कर सकती हो। देखते हैं किस में है कितना दम। इस कॉम्पिटिशन में 3 राउंड होंगे जो बहुत ही आसान है। अगर जीतोगी तो टिकोगी, वरना यहाँ से सीधा घर जाओगी। तो सबसे पहला चैलेंज है ट्रेंच वॉरफेयर। तुम में से एक गड्ढे के इस पार रहेगी और दूसरी उस पार, और मेरे गो बोलते ही तुम पानी में कूदोगी और दूसरी तरफ की बेल बजाओगी। और ये सिर्फ दम की लड़ाई नहीं है, इसमें दिमाग भी लगाना पड़ता है। सामने वाले को रोको, गिराओ, चढ़ जाओ उस पर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तुम लोग रेडी हो? यस सर। आश्ले, यहाँ पर क्या सोच कर आई हो? मैं एक मॉडल हूँ, पर मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि मुझे लड़ना भी आता है और मैं एक इंस्ट्रक्टर भी हूँ। And hey, my purple beauty, तुम यहाँ पर किस लिए हो? मैं प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर हूँ और बस ये चैलेंज जीतना चाहती हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम जीत पाओगी? क्यों नहीं। और पीछे अनदर ब्लैक एंड पर्पल, तुम किस लिए आए हो? मैं प्रोफेशनल MMA फाइटर हूँ। मार्शल आर्ट्स कब से कर रही हो? लगभग 7 सालों से। तुम्हारे बगल में एश्ले खड़ी है, उसके बारे में क्या ख्याल है? उससे सामना हुआ तो क्या करोगी? मैंने हारना सीखा ही नहीं है। ठीक है, तो बातें बात हो गई, अब कुछ करके दिखाने का टाइम आ चुका है। मैं एक फाइटर हूँ और मैं जल्दी हार नहीं मानती। कॉलिन, तुम वहाँ और एश्ले तुम उस तरफ। एश्ले मुझसे बचेगी नहीं, मैं अंदर जाऊंगी और उसे खींच कर अपनी बेल के पास लेकर आऊंगी। ट्रेंच वॉरफेयर का पहला राउंड, और देखते हैं किस में है कितना दम। इस राउंड को जीतने के लिए सहन शक्ति और ताकत बहुत जरूरी है। अगर उसने मुझे पकड़ नहीं लिया तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपनी बेल तक पहुंच पाऊं। ओके, रेडी गर्ल्स, जो जीतेगी वो टिकेगी और जो हारेगी वो वापस। कॉलिन, रेडी हो? हाँ। और एश्ले, तुम? यस सर। खतरनाक है।
माफ, पर मैं गलत थी। मैंने अपनी ताकत का सही अंदाजा नहीं लगाया। पहला राम जीत कर मुझे अच्छा लग रहा है। Hey, Colin, बहुत अच्छा लगा तुम यहाँ पर आए, लेकिन जीत नहीं पाए। कोई बात नहीं, फिर मिले। ओके, थैंक यू। कॉलिन अच्छा तो लड़ी, लेकिन एशले उस पर भारी पड़ी और पहले चैलेंज की बाजी मारी है एशले ने। तो बढ़ते हैं अगले चैलेंजर्स की तरफ, देखते हैं अब कौन आता है। ऑगम, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगले चैलेंजर से राउंड जीत जाओगी? मुझे पता ही नहीं वो है कौन। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो खड़ी है तुम्हारी बाईं तरफ। ओह, ये ऑगम कुछ ज्यादा ही बोल रही है। मलीसा, क्या तुम इससे कुछ कहना चाहती हो? इसे तो पानी के अंदर बताऊंगी। तो दोनों किसी से कम नहीं है। अब देखते हैं कि पानी में कौन किस पर भारी पड़ेगा। वो मुझे पानी के अंदर क्या बताएगी, मैं उसे मौका ही नहीं दूंगी, क्योंकि बेल मैं ही बजाऊंगी। वो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन रही है, उसे पता नहीं मैं क्या चीज हूँ। वो चाहे कितनी भी बकवास कर ले, पर पहला चैलेंज तो मैं ही जीतूंगी। ऑलराइट, शुरू किया जाए। ऑगम, तुम तैयार हो? मलीसा, तुम तैयार हो? बिल्कुल सर। ओके, रेडी। मैं कितनी खुश हूँ मैं बता ही नहीं सकती। जैसे ही मैंने उसे पकड़ा, उसने बच्चों की तरह रेलिंग पकड़ ली। फिर मैंने उसे उठाया और सीधा अपनी बेल की तरफ भागी और अपना पहला चैलेंज मैं जीत गई। भले ही तुमने बहुत अच्छी कोशिश की, पर अफसोस दिमाग नहीं जा पाओगी।